पूरी दुनिया दरवाजे के अंदर बंद और सड़कों पर घूमता वायरस का खौफ, ऑक्सीजन की कमी, शमशान घाटों पर लाशों का अंबार, क्या हो रहा है, कैसे बचा जाए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिछले 2 साल की उस खौफनाक तस्वीर को आज भी याद करके रूह कांप जाती है। और अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि ये कोरोना वायरस एक बार फिर बड़ा रूप लेकर तबाही मचाने को तैयार है। नमस्कार, मैं हूँ प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। ये कोई थ्रेट नहीं बल्कि वार्निंग है, क्योंकि चीन, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील सहित दुनिया के कई हिस्सों में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले 7 से 10 दिनों में ये आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। एक तरफ जहां अस्पतालों में मरीजों की भीड़ देखी जा रही है, वहीं अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतार लग गई है। यही कारण है कि भारत सरकार भी इसे लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज समीक्षा बैठक भी बुलाई है। साथ ही साथ सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि कोरोना के मामलों में अचानक आई तेजी को देखते हुए पॉजिटिव केसों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि झारखंड के परिपेक्ष में जीनोम सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल अभी भी सवालिया घेरे में है। बता दो कि चीन में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए उपस्वरूप यानी कि सब फॉर्मेट से संबंधित संक्रमण के मामलों में काफी ग्रोथ देखी गई है, जो एक इंसान से दूसरे में काफी तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो चीन में मेनली ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 सब फॉर्मेट्स BA.5.2 और BF.7 पाए जा रहे हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस में केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेल होने से होने वाली मौतों को ही आधिकारिक आंकड़ों में शामिल किया जाएगा। हालांकि कुछ दिनों पहले ही चीन में लोगों ने शी जिनपिंग के शून्य कोविड नीति के खिलाफ सड़क पर उतरकर भारी विरोध किया था, और इस हिंसक विरोध को देखते हुए चीनी सरकार ने लॉकडाउन में ढील दे दी, जिसका खामियाजा आज आम लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। और आज चीन में कोरोना भारी तबाही मचा रहा है। भारत की बात करें तो दूसरे देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने भारत की भी चिंता बढ़ा दी है, जिसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोगों को सतर्क किया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोरोना के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए और मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग लागू किया जाए। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। पहले भी इस कोविड की लहर हमारा बहुत नुकसान कर चुकी है, बहुत लोगों की जान ले चुकी है, इसलिए दोबारा वो तस्वीर हमें देखने को न मिले, समाचार प्लस आपसे अपील करता है कि आप अपने स्तर पर सभी प्रिकॉशंस का पालन करें, सतर्क रहें। अगर अभी भी आपने वैक्सीन नहीं ली है या बूस्टर डोज नहीं ली है तो उसे जरूर लें और अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।